आज आप परमेश्वर को बोलोगे परमेश्वर मुझे बरकत दे, परमेश्वर बोलेगा किस चीज के ऊपर, तेरे हाथ में क्या है। आप इमेजिन करो, अलीशा जो परमेश्वर का दास था उससे बोल सकता था जा फलानी फलानी जगह जा, वहां तुझे पैसा मिल जाएगा, जमीन में देखना खोद के तुझे सोना गड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसने क्या कहा, तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा थोड़ा सा तेल है मेरे पास। उसने कहा थोड़े से तेल को बर्तनों में उंडेलती जाना और बर्तन थोड़े मत लाना। कि जब तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो मत सोचो कि तुम्हारा घर 45 लाख का है और तुम कर्जे के बिना उसे नहीं ले सकते। तुम आज पैसा जोड़ना शुरू करो और टाइथ देना शुरू करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं यीशु मसीह के नाम, जो तुम सोच रहे हो कि 10 साल पैसा जमा करके भी नहीं ले पाओगे, तुम 3 साल में 2 साल में उस घर में होंगे। कैसे? यही तो परमेश्वर है, यही तो परमेश्वर है जो हमारी सेंसेस से परे काम करता है। यही तो वो अपने हमें वो भरोसा करना सिखा रहा है कि तुम कुछ भी लेना चाहते हो उसकी ग्रेस के ऊपर भरोसा रखो, उस स्पिरिट के अनुसार ना चलो जो लोगों में काम कर रही है, जो उस एरिया में काम कर रही है। आप इमेजिन करो ये स्पिरिट के साथ पास्टर्स भी परेशान हैं, उन्हें कर्जा उठाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब एक कर्जा खत्म होने वाला होता है दूसरा कर्जा तीसरा कर्जा। क्यों? क्योंकि कर्जे की एक स्पिरिट है, जिस तरह बीमारी की एक आत्मा है कर्जे की भी एक आत्मा है, और कर्जे की स्पिरिट ये चाहती है कि आप हमेशा नौकर बन के रहें ताकि आप वो प्रैक्टिस ना कर सके जो वचन कहता है। अगर आप बिलीव नहीं करते आप राजाओं की संतान हैं और राजकुमार हैं, और राजकुमार की तरह आप चलते नहीं, राजकुमार की तरह बोलते नहीं, आप राजकुमार कभी बन भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो आप बिलीव करते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते कि आप चंगे हो चुके हैं, आप हेल्थी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, यहोवा आपका चरवाहा है, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं और चलेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने आसपास देखा ही ऐसा है, हमने कभी वो फैमिलीज देखी नहीं क्रिश्चियन जो सब चीजें कैश पे या चेक पे जैसे भी लोग लेते हैं, हमने कभी देखा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर में मैं चला हूं हमने देखा है, हमने चीजों को लिया है, पैसा देकर लिया है, बिना कर्जे के लिया है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धर्मी होने के बावजूद भी, टाइथ देने के बावजूद भी, फिर भी सिचुएशन ये चाहती है कि आप लोन लें, और परमेश्वर का वचन इस बात के खिलाफ है कि आप लोन लें। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं कर्जा लूं। हालेलुया।